चीन से मिल रही है, जहां सीआईए शाखा के साथ कुर्की गैंग की मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर आपको चीन से बता रहे हैं, सीआईए और कुर्की गैंग के बीच ये मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने राकेश नाम के एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिनसे दो अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। राकेश बदमाश पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। हत्या, डकैती और लूटपाट जैसे कई मामले दर्ज थे। पुलिस को लंबे समय से तलाश थी, सफलता मिली है। रमेश सिंगरोहा हमारे साथ जुड़ रहे सहयोगी। रमेश, बड़ी सफलता है पुलिस के लिए ये? जी देखिए, जीन सीआईए के लिए बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि इन्होंने जो 3 बदमाश पकड़े हैं उनमें से 2 पर 1 लाख रुपए का इनाम था, और मुठभेड़ के बाद ये पकड़े गए हैं तीनों, जिनमें राकेश, गगनदीप और शीला। इन्होंने राजस्थान में भी कोर्ट में गोलियां चलाई थी और हरियाणा में इनके ऊपर हत्या, लूट और डकैती के दर्जनों मामले दर्ज हैं। जी, बड़े खुलासे हो सकते हैं रमेश, क्योंकि 1-1 लाख रुपए का जैसा कि आप बता रहे हैं इनाम घोषित था, कई मामले भी दर्ज थे, कई और खुलासे हो सकते हैं? जी हाँ, देखिए अभी तक तो केवल 1 दर्जन वारदातों का खुलासा हुआ, लेकिन ये बदमाश इतने शातिर थे, आज तक इन्होंने मोबाइल फोन यूज नहीं किया जाता, इसलिए ये पहले कभी पकड़े नहीं गए थे। केवल एक कुकी गैंग के ये सदस्य थे, पहली बार ये पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, और पुलिस को उम्मीद है कि इनसे बहुत सारी वारदातें हैं, उनका भी खुलासा हो पाएगा कि कितनी वारदातें कहाँ पर की है। और मैं बताना चाहूंगा कि इनमें से जो गगनदीप है वो इतना शातिर है, उसने अपनी बाजू के ऊपर AK-47 का टैटू भी बनाया हुआ है, तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना शातिर था ये।